Clash of Clans. हाँ भाई, तो कहते हैं लेट्स कर लूँगा आपका फेवरेट डबल। तो मैं आ रहा हूँ आपके टीवी, लैपटॉप और फोन पे। तो भाई साहब, मुझे पता है यार, मुझे पता है आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है एंड मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। प्रॉब्लम ये है कि CWL स्टार्ट हो चुकी है एंड जितने भी लोअर लीग्स पे प्लेयर्स है उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। मतलब अगर आपका टाउन हॉल 9 है तो आपके सामने 11, 12 आ रहे हैं। अगर आपका टाउन हॉल 10 या फिर 11 है तो सामने टाउन हॉल 13 आ रहे हैं। भाई कुत्ता, प्लीज भाई भोकना बंद कर दे यार, मेरी वीडियो खराब ही करनी है, अब क्या ही बोलूं मैं। ओके, तो प्रॉब्लम तो आप लोग समझ आ चुकी है कि प्रॉब्लम है क्या। मुझे प्रॉब्लम है इस कुत्ते की, भाई वो भोकते रहता है यार, जब भी वीडियो बनाता हूँ ना भोकते रहता है। मुझे पता नहीं आप लोग क्या सोचोगे यार, मतलब यार सुमित का कुत्ता मेरा कुत्ता नहीं है, वो बाजू वाले का कुत्ता है, मैं क्या करूं। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोग क्या है कि CWL में हमारे सामने अपर टाउन हॉल्स आ रहे हैं एंड मुझे भी, हमारे क्लैन को भी यही प्रॉब्लम हम सभी लोगों को फेस करनी पड़ रही है। एंड इस बार हम लोग क्या करने वाले, लोअर टाउन हॉल से अपर टाउन हॉल के ऊपर अटैक करने वाले, क्योंकि ना चाहते हुए भी हमारे सामने टाउन हॉल 11 है ही नहीं। आज हम लोग हमारे टाउन हॉल 11 पे खड़े हैं एंड टाउन हॉल 11 के सामने 11 है ही नहीं। तो चलो भाई, अभी हम लोग कुत्ते हमारे गेम में एंड देखते क्या। नहीं, वेट अ सेकंड यार, पहले हम लोग स्पॉन्सरशिप के बारे में जान लेते हैं। तो स्पॉन्सरशिप शुरू हो। आज की वीडियो स्पॉन्सर करी है स्ट्रीमकर ऐप ने। स्ट्रीमकर ऐप के ऊपर आप लोग यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ बात कर सकते हो, लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, नए फ्रेंड्स बना सकते हो एंड यहाँ तक कि आप लोग उनके साथ वीडियो कॉल में भी ज्वाइन हो सकते हो। इसी के साथ आप लोग इसके ऊपर लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो एंड अर्निंग भी कर सकते हो। अर्निंग कैसे कर सकते हो, आप लोग आपके दोस्तों को रिफर कर सकते हो एंड जब आप लोग लाइव स्ट्रीम करोगे तब आप लोगों को बीम सेंड करेंगे, जिसको आप लोग बाद में रिडीम करके लाइक पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो एंड इजीली आपके अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। तो चलो अभी मैं आप लोगों को डेमो दिखा देता हूँ कि हम लोग इस ऐप के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर रहे, तो एक काम करते हैं हम लोग किसी के ऊपर चल के देख लेते हैं कि यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में क्या क्या चल रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी? वैसे आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली बिहार से हूँ, रहती बेंगलुरु में हूँ। एंड आपका प्रोफेशन क्या है, आप करते क्या हो? बेसिकली तो मैं जॉब करती हूँ, मैं ITC कंपनी में एरिया सेल्स असिस्टेंट मैनेजर हूँ और उसके अलावा एक्टिंग करियर में हूँ। मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है तो मैंने एक कन्नड़ा पिक्चर में भी काम किया है। ओ, कन्नड़ा बरुत्ता? हाँ, बरुत्ते रहेंगे। मतलब आप बिहार से थी एंड बेंगलोर में आपके काम की वजह से आए थे? बेंगलोर में मैं स्टडी के लिए आई थी, आफ्टर स्टडी मैं जॉब कर रही हूँ यहाँ पे। मैं बेंगलोर में 5 ईयर से रहती हूँ। अच्छा, ओके ओके ओके। एक कन्नड़ा पिक्चर में काम किया है मैंने। लीड कैरेक्टर था, लीड रोल था उसमें? नहीं, बिकॉज मुझे लैंग्वेज इतने अच्छे से नहीं आती तो साइड रोल है। यहाँ पे 2021 का हम लोग केक सेंड करेंगे। एक्चुअली वो सेंड नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास उतने बीन्स है नहीं, तो उससे अच्छा हम लोग ये बल्ले बल्ले वाला सेंड कर देते हैं। ओके, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गाइस, स्ट्रीमकर ऐप की लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे टाउन हॉल 11 के ऊपर एंड अगर हम लोग यहाँ पे वॉर देखेंगे तो भाई साहब, मतलब बड़ी बड़ी बेइज्जती करी है सुपर सेल ने हमारे यहाँ पे। अगर हमारे यहाँ पे टाउन हॉल 13 सिर्फ 6 है, नंबर 6 तक टाउन हॉल 13 है, एनिमी के यहाँ पे नंबर 19 तक टाउन हॉल देके रखे भाई साहब, तो हम लोगों को टाउन हॉल 13 के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, जो कि हम लोग करने वाले नंबर 19 के ऊपर। तो ये वाला बेस रहने वाला है जिसके ऊपर हम लोग अटैक करने वाले, 11 से 13 के ऊपर कर रहे भाई साहब, मतलब हद है। बेस देखेंगे तो भाई साहब ये जो टाउन हॉल है 5-star टाउन हॉल 13 है और ये दो स्कैटर शॉट वो भी मैक्स है, मतलब हद कर रहा है सुपर सेल यार हमारे साथ। तो यहाँ पे ना एक गैप दिख रहा है, ये देखो गैप दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वहाँ पे डायरेक्ट CC भी डाल सकते हैं वहाँ पे हम लोग, लेकिन उसकी जगह पे सीज मशीन डाल के फोड़ देंगे, एक पैका का फायदा मिल जाएगा हम लोगों को, राइट। एंड वहाँ से हम लोगों को टाउन हॉल मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी इनविजिबल करके, ठीक है। तो ये बेसिक सा प्लान है एंड पीछे से हम लोग सिंपली सुई हाइब्रिड कर देंगे, मतलब स्टार्टिंग से किंग क्वीन 4 आइस गोलम लेके रखे हम लोगों ने, 4 आइस गोलम के साथ बहुत सारा मतलब टैंकिंग का फायदा मिलेगा, हमारे किंग क्वीन पूरा साफ कर लेंगे एंड पीछे से सिंपल हम लोग हाइब्रिड स्टार्ट कर देंगे। हाइब्रिड में हमारे 20 माइनर एंड 12 हॉग राइडर्स है, तो ये वाली आर्मी है हमारी, इसी आर्मी के साथ हम लोग अटैक करना है। सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम लोग इस बेस के ऊपर। सबसे अरे बाप रे यार, हमारे पास ये लेवल 1 का स्पेल है, अरे यार क्या करें, कोई दिक्कत है नहीं। कम ऑन, टेक दैट टाउन हॉल गाइस,
ये बात गाइस मजा आ गया। अरे यार ये गलत तो नहीं कर दी हम लोगों ने। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। टाउन हॉल तो हम लोगों ने टेक डाउन कर लिया है जो कि बहुत अच्छी चीज है। एंड देखते यार अभी क्या क्या हम लोग कर सकते हैं ना इस बेस के ऊपर। भाई साहब ये स्कैटर अगर एक बार मिल गया ना भाई में भी हमारे लिए काम आसान हो सकता है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इनको एबिलिटी नहीं देंगे, रुकेंगे थोड़ा जब तक वो रेंज में है स्कैटर शॉट की। अब देंगे एबिलिटी, क्वीन की भी एबिलिटी मार देंगे। नाइस, यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे हम लोग हमारा पूरा हाइब्रिड। तीन ही स्पेल्स है, जो जो मेन मेन चीज़ें थी वो तो हम लोगों ने टेक डाउन कर ली है। और ईगल भी, ईगल कहाँ है भाई, ईगल भी टेक डाउन हो चुका है। क्या बात है गाइस मज़ा आ गया। यहाँ पे एक हिल स्पेल आएगी, मिनियन आएगा यहाँ पे एक। यार स्टिल ना मुझे नहीं लग रहा कि भाई साहब ये लाइक थ्री स्टार होने के चांसेस है करके। यहाँ पे एक हिल डाल देते हैं, यहाँ पे एक हिल स्पेल आएगी। अबे यार बुड्ढा पागल हो रहा है क्या भाई, कहाँ मतलब वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी अगर नीचे ही आना था तो। हद कर रहा है भाई ये बुड्ढा। एबिलिटी मार देंगे यहाँ पे बुड्ढे की। यहाँ पे एक आर्चर भाई, यार ऐसे अगर अटैक हो रहा है ना तो भाई फेल होने के ना चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लाइक बुड्ढा पगला जाता है कहीं वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ। यार प्लेन प्लेन माइनर भी कर देते ना तो भी शायद हो सकता था यार यहाँ पे। लाइक हॉक्स यूज़ नहीं करने चाहिए थे, लेकिन यार हमको तो हॉक राइडर्स बहुत पसंद है तो यूज़ तो करते हैं इसीलिए। अरे यार बहुत क्लोज जाने वाला ये अटैक। यार हमारा प्लान वैसे ठीक था, कहीं ना कहीं टाइम की कमी की वजह से मेरे को नज़र आ रहा है कि हाँ फेल होने की चांसेस है करके। भाई साहब ये देखो आर्चर टावर कर रहा है टारगेट, बहुत खतरनाक लेवल का। अरे बाप रे, क्या हम लोग कर पाएंगे क्या इस बेस को अभी भी थ्री स्टार? ना 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 ना, मुझे नहीं लग रहा। बहुत क्लोज जाने वाला है भाई साहब। 11वीं 13 हम लोगों ने किया। पॉइजन स्पेल हम लोगों ने पता नहीं क्यों लिया, लिटरली गाइस पॉइजन स्पेल लेने की ज़रूरत थी नहीं। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा इनविजिबिलिटी स्पेल लेते तो मज़ा आ जाता। हद दे भाई यार क्या करते रहते हम लोग। यहाँ पे दो गॉब्लिन डाल दिए, चलो सही जा रहा है यार 90%। 11 से 13 के ऊपर मतलब ठीक है। थोड़े से और चेंजेस करने चाहिए थे हम लोग आर्मी के अंदर, लाइक हॉक्स लेने ही नहीं चाहिए थे क्योंकि हॉक्स का कुछ काम बना ही नहीं यहाँ पे। यार बहुत क्लोज अटैक जाके रुक रहा है भाई, मतलब लाइक लिटरली 96%। ओह माय गॉड, हम लोगों ने टाउन हॉल 11 से 13 के ऊपर 96% किया। हालांकि वहाँ पे सिर्फ स्कैटर और टाउन हॉल मैक्स था, एंड सीसी मैक्स थी, एंड ईगल शायद मैक्स था, बाकी सारी चीज़ें लो लेवल की थी। लेकिन हम लोग एडवांटेज यहाँ पे ये मिला कि हम लोगों ने इनविजिबिलिटी स्पेल इस्तेमाल किया एंड सीसी के अंदर सुपर विजर्ड इस्तेमाल किए। पॉइजन की जरूरत थी नहीं, स्टिल हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। अगर यूज़ करते पॉइजन की जगह इनविजिबिलिटी स्पेल तो शायद रिजल्ट में भी हम लोगों को 3 स्टार मिल सकता था। ओके गाइस कोई दिक्कत नहीं, हमारा अटैक हो चुका है फिर। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चेंजेस करे हमारे आर्मी के अंदर, लाइक हॉक्स निकाल के सारे, लाइक लिटरली यार मुझे पता है हॉक्स नहीं निकालने चाहिए थे लेकिन 3 स्टार करना है वो भी तो इंपॉर्टेंट है भाई। तो हम लोगों ने क्या किया, हॉक्स को निकाल के सारे माइनस ले लिए एंड पॉइजन की जगह हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया एक्स्ट्रा इनविजिबिलिटी स्पेल। एंड लेट्स सी अभी हम लोग यहाँ पे एक फ्रेंडली चैलेंज में अटैक करके देख लेते हैं। ओ माय गॉड, ये वाला बेस हम लोग पहले भी देख चुके हैं टाउन हॉल 13 के ऊपर एंड टाउन हॉल 11 पे हम लोग ये वाला बेस मिला है। तो यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा जिससे कि हम लोग 3 स्टार करें। क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? अरे बाप रे, ओके दो बलून्स यहाँ पे आएगा हमारा ये। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चलो 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 चलो, अच्छा है अच्छा है अच्छा है। यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग ये, ओके नाइस। चलो भाई अच्छी अच्छी वैल्यू मिल रही है हम लोगों को। ओ माय गॉड बच गए। चलो अभी ये क्यों जिंदा है, इसको कोई बचाना है। ओह मर गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने लाइक ईगल फीगल निकाल लिया है तो कोई मतलब ज़्यादा चिंता की बात है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे यार सीसी के अंदर से हॉक राइडर्स वगैरह निकल के आ चुके हैं। एक्चुअली हम लोग एक्स्ट्रा पॉइजन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब क्या ही कर सकते हैं अभी। यहाँ पे एक विजर्ड डाल देते हैं, यहाँ पे एक और आइस गोलम आएगा। चलो भाई एक विजर्ड ओपी काम कर रहा है, ओपी विजर्ड। किंग की एबिलिटी दे देंगे यहाँ पे। चलो भाई कोर तो हम लोगों ने खाली कर दिया है, कोई दिक्कत है नहीं। अभी यहाँ से जितना हम लोग खींच सकते हैं उतना खींचेंगे। यहाँ पे डाल देते एक वॉल ब्रेकर,
ओके क्वीन बाहर आ रही है क्या, तो यहाँ पे डाल देते हैं। चलो अंदर आ गई वापस फिर से। ओके यहाँ पे मतलब ओपी लेवल का काम हम लोगों ने किया तो है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत दूर से स्पैम करना पड़ेगा। तो स्पैम हम लोगों ने कर दिया पूरा। यहाँ पे एक हील आएगा, ईगल तो टेक डाउन हो चुका है तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ओके बुड्ढे की एबिलिटी भी है हमारे पास, आर्चर क्वीन भी हमारी, सो सही जा रहा है अटैक एक हिसाब से देखा जाए तो। तो हाँ भाई मतलब ये काम करता है टाउन हॉल लेवल पे, अच्छी बात है, और क्या ही चाहिए हम लोगों को। यहाँ पे बुड्ढे की एबिलिटी दे देंगे, सही टाइम पे दे दी बिल्कुल। बस ये जो स्केलेटन ट्रैप्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। यहाँ पे खेला आई हमारी, देखो यार आइस गोलम अभी भी टैंक कर रहा है, ओपी भाई मज़ा आ गया। तो आखिरी जो हील रहेगी हमारी यहाँ पे आएगी, वेट करेंगे थोड़ा सा। किंग को मारो 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 मारो, मार दिया किंग को, ये बात। एंड जो हमारी आखिरी हील स्पेल है उसको डालेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या बात है परफेक्ट जगह पे डाल दिया हम लोगों ने। यहाँ पे एक मिनियन डाल देते हैं और आर्चर यहाँ पे डाल सकते हैं क्या, हाँ हाँ क्या बात है गाइस, आर्चर टावर की रेंज में बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये हो गया गाइस हमारा थ्री स्टार अटैक, आर्चर क्वीन अभी भी हमारी जिंदा है। एक्चुअली पॉइजन लेने की जरूरत है यहाँ पे, चार इनविजिबिलिटी स्पेल लेने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं हम लोग एक और अटैक करके देख लेते हैं आखिरी यहाँ पे विजर्ड एंड क्वीन की एबिलिटी। ओके मतलब इस स्ट्रेटजी से थ्री स्टार होते हैं, ऑफ कोर्स यार क्यों नहीं होंगे, टाउन हॉल 13 का बेस हम लोगों ने 2 स्टार 96% किया, तो भाई टाउन हॉल 11 क्या चीज है। चलो भाई एक और हम लोग करके देखते हैं 11 पे। ओके तो हम लोगों को ये वाला बेस मिला है एंड इसके ऊपर वैल्यू हम लोगों को बहुत अच्छी खासी मिल रही है। तो एक्चुअली मतलब कहाँ से निकाले भाई वैल्यू, लाइक पॉइजन तो हम लोगों ने लेके रखा है, पता नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर नहीं। यहाँ पे दो बलून्स डालेंगे, यहाँ पे डाल देंगे हम लोग ब्लिम्प हमारा, एंड ब्लिम्प को यहाँ पे फोड़ना है हम लोगों को। अरे 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 जल्दी नहीं फूटना है, ये बात। नाइस नाइस वैल्यू ओपी। अरे बाप रे गाइस मजा आ गया भाई साहब, नेक्स्ट लेवल की वैल्यू हम लोगों को मिली है। यहाँ पे आइस गोलम किंग क्वीन, भाई साहब जरूरत ही नहीं पड़ी पॉइजन की यार, गलती कर दी क्या, ये देखो अभी तक जिंदा था हमारा, पॉइजन की जरूरत पड़ी ही नहीं। चलो अच्छी बात है पॉइजन की जरूरत नहीं पड़ी है तो। ओके तो अभी हम लोग ये पूरा टैंकिंग थिंकिंग का काम करेंगे, क्या बात है गाइस मतलब क्या बोलूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे एक और विजिट डाल देते हैं, तो ओपी लेवल का टैंक हो रहा है, बहुत पावरफुल आर्मी है। यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग सुपर वॉल ब्रेकर, यहाँ पे एक सुपर वॉल ब्रेकर आएगा। ओके फट जा सुपर वॉल ब्रेकर जल्दी से, जैसे कि हमारे ट्रुप्स अंदर जाके, एंड अच्छी बात यह है कि ईगल एक्टिवेट होता नहीं है, क्या बात है गाइस मतलब बहुत पावरफुल आर्मी है। एंड ईगल अभी तक एक्टिवेट हुआ नहीं है, ईगल एक्टिवेट होता तो नुकसान बहुत होता, लेकिन ईगल एक्टिवेट हुआ नहीं है तो फायदे में रहेंगे हम लोग यहाँ पे। अबे यार लेकिन क्वीन हमारी भटक गई, अरे यार क्या बचा है गाइस बेस के ऊपर, क्या ही बचा है। यहाँ से स्पैम कर देते हैं हम लोग सारे के सारे माइनर्स, मतलब अजब भाई गजब है यार, एक नंबर भाई, क्या बोलूँ मैं इस आर्मी के बारे में, कितनी तारीफ करूँ। ओके यार ये बंच में ना ही हो, ना 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 बंच में ना ही हो। यहाँ पे देंगे एक पॉइजन स्पेल एंड बुड्ढे की एबिलिटी, यहाँ पे एक आर्चर, अरे यार मिनियन गिर गया, चलो सही है। यहाँ पे खेल, यहाँ पे खेल, खत्म कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया भाई ये ट्रिपल हो गया ये वाला बेस। क्वीन मर गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतने सारे माइनर से कि मतलब कुछ दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे एक आर्चर डाल देते हैं, बिल्कुल ये वाला आर्चर टावर नहीं करेगा उसको टारगेट, हो गया भाई हो गया भाई, बड़ी पावरफुल आर्मी है यार, लाइक लिटरली अगर कॉम्पैक्ट बेस मिलता है तो ब्लिम के साथ इनविजिबिलिटी स्पेल डाल के फोड़ो एंड पूरा बेस, माइनर के साथ साफ करो, तीन आपके हिल स्पेल्स के साथ, बड़ी गजब आर्मी है, मजा आ गया भाई ये आर्मी इस्तेमाल करके, लाइक लिटरली माइनर्स देखो अभी भी 2 दर्जन माइनर्स तो आराम से होंगे यहाँ पे, मजा आ गया भाई, बहुत पावरफुल आर्मी है, क्या बात है, 3 स्टार हो चुका है हमारा। अगेन हम लोगों को यहाँ पे दीप की तरफ से बेस मिल चुका है, एंड इस बेस के ऊपर हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक्चुअली देखा जाए तो हम लोगों को ईगल तो लेना पड़ेगा, लाइक लिटरली ईगल तो लेना ही पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्लिम्प डाल देते हैं। ओके ब्लिम्प को फोड़ना है यहाँ पे, ओके नाइस,
ओह सीसी के हॉक्स, ओके। ओ भाई साहब ये मल्टी ले लो यार, मल्टी ले लो। हाँ ये बात गाइस, मल्टी हम लोगों को मिल चुका है, यहाँ पे डाल देंगे अभी हम लोग हमारे हीरोज। यहाँ पे एक विजिट डाल देंगे फनलिंग के लिए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओके वेट अ सेकेंड, यहाँ पे पहले देखेंगे, यहाँ पे एक वॉल ब्रेकर डाल देते हैं हम लोग। ओके यहाँ पे एक गोलू, यहाँ पे एक विजिट आएगा फनलिंग के लिए। नाइस गोइंग। अरे क्वीन क्वीन क्वीन, गलत नहीं, यहाँ पे आ जाओ। ओए नाइस, चलो अच्छा है। यहाँ पे एक और ये आएगा एंड वेट करेंगे, सुपर वॉल ब्रेकर डालेंगे, अब डालेंगे तो बिल्कुल सही जगह पे वॉल पे जा रहा है। एंड अभी हम लोग यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, हमारा जो हाइब्रिड है वो करेंगे अभी हाइब्रिड शुरुआत। ओके यहाँ पे एक मिनियन विजर्ड आएगा, यहाँ पे एक मिनियन, यहाँ पे एक आर्चर। चलो भाई साहब किंग की एबिलिटी, क्वीन ने यहाँ से ईगल टेक डाउन कर लिया। ओके इस साइड का फनल बन चुका है एंड बहुत लंबा माइनर हम लोग डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। चलो अच्छी बात है, नाइस गोइंग। टाइम बहुत कम है तो जल्दी जल्दी हम लोग करना पड़ेगा अटैक। तो यहाँ पे एक हिल्स पे लाएगी हमारी। चलो क्वीन के पास बहुत सारे माइनर्स पड़े हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक हिल्स पे लाएगी। नाइस ओके, टाइम देखना होगा। ओके बुड्ढे की एबिलिटी भी आएगी यहाँ पे। चलो आइस गोलम फ्रीज हो चुका है, यहाँ पे आखिरी हिल्स पे लाएगी हमारी आर्चर क्वीन बची हमारी। लेट्स सी यार क्या हम लोग टाइम रहते 3 स्टार कर पाएंगे। एंड ये जो इन्फिनो टावर है वो वॉकेबल है आई थिंक, अगर हमारी आर्चर क्वीन ये वाली वॉल फोड़ के चली जाती है ना आगे तो इजिली हम लोगों को इन्फिनो मिल सकता है। अरे बाप रे स्केलेटन्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। तो चलो भाई साहब इन्फिनो टावर तो टेक डाउन हो चुका है एंड आर्चर क्वीन अभी भी जिंदा है। एंड यार हमेशा हमारी आर्चर क्वीन बहुत टाइम के लिए जिंदा रहती है स्ट्रेटजी में, तो बहुत पावरफुल है, क्या बोलूं यार। मतलब वैल्यू चाहिए आप लोगों, बस आपके ब्लिजर्ड के साथ वैल्यू मिल जाती है तो इजीली हम लोग कर सकते हैं। भले ही हम लोग टाउन 13 पे नहीं कर पाए थे सर, लेकिन टाउन 11v11 बहुत ओपी साबित हो रही है ये स्ट्रेटजी। चलो अच्छी चीज़ है। ओके ये हो चुका है हमारा फाइनली 3 स्टार अटैक, क्या बात है गाइस, मजा आ गया, बहुत ज्यादा पावरफुल आर्मी है तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल मैंने तो इस्तेमाल किया इसको टाउन हॉल 11v11 11v13, लेकिन रिजल्ट 96% 2 स्टार आया, लाइक बहुत ज्यादा ही क्लोज था 3 स्टार के, लेकिन नहीं हो पाया था, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार ट्राई कर लेंगे। बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, एंड हाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, मैं मिलता हूं आप लोगों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।